महाराज भरुक बड़े अच्छे अयोध्या के राजा, वो भरुक के पाहुक नाम का पुत्र हुआ। पाहुक की 6 पत्नियां थी। जब महाराज पाहुक स्वर्ग सिधार गए तो जो 6 पत्नी है ना, उनमें से एक जो पत्नी है वो गर्भ से, 5 को बहुत बड़ी जलन हो गई और 5ों ने मिलकर के गर्भ जो जिस पत्नी को था उसे जहर दे दिया। सज्जनों, सुखदेव जी कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, जिस समय जहर दिया और ऋषि पधारे और ऋषि ने और ये 11 रुपए दक्ष कुमार जी सदीरन पुरुष भगवान के चरणों में कामना करते हैं, भगवान भंडार भरते रहे, कन्हैया दया दृष्टि करते रहे, ठाकुर जी सदा सुखी रहे, आनंदित ही आनंदित करते रहे। सज्जनों, जो महाराज कि जो पत्नी है और ऋषि ने संजीवन बूटी विद्या देकर के उसे मरने नहीं दिया और उसके होने वाले गर्भ से एक बड़ा सुंदर पुत्र पैदा हुआ जिसका नामकरण संस्कार और ने किया। क्या नाम रखा? सगर। सगर बड़े महान प्रतापी राजा, समाज को सम्मान देने वाले। 2 रानियां हैं महाराज सगर के, बड़ा आदर देने वाले समाज को। अरे सगर भूप बलवान, सुना दे ध्यान की कथा यगारी, और पिरजा में कोई ना कर तोरे जा राजा की बदन। सब सुख है महाराज के, दुख एक ही बात का है। वो स्वामी जी भी कहते हैं, पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख जो घर में माया, तीजो सुख सुत आज्ञाकारी, चौथो सुख पति वृता। पहला सुख शरीर स्वस्थ हो, दूसरा सुख धन हो, तीसरा सुख पुत्र बात मानने वाला हो, चौथा सुख पत्नी बात मानने वाली हो। सब कुछ है महाराज के, लेकिन भगवान ने अरे भैया अरे नहीं तीनों लाला लाली सोचा।
दो रानियां और एक भी रानी के एक भी बालक का जन्म नहीं हुआ। महाराज दुखी रहते हैं, लेकिन एक दिन महाराज ने क्या देखा, अपने गुरु और ऋषि को बुलाया और अब से एक बात कही, गुरुदेव तुम मेरे कुल गुरु हो, लेकिन मेरे जीवन में एक भी बालक पैदा नहीं हुआ। मैं चाहता हूं एक सुंदर खिलौना मेरी गोदी में आ जाता, मेरे मरने के बाद इस अयोध्या का राजा होता। सज्जनों, औरव ने यज्ञ किया, अग्निहोत्र यज्ञ, और यज्ञ में अग्निदेव पधारे। अग्निदेव ने कहा, मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हो? जवाब दिया, सिर्फ हमारे लिए पुत्र चाहिए। अग्निदेव ने वरदान दिया, महाराज सुबह उठते ही आप जितने जीव जंतुओं के दर्शन कर लेंगे उतने ही तुम्हारे पुत्र होंगे। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, सुबह हुआ, महाराज उठे, क्या देखा? आंगन में एक छिद्र है और उस छिद्र से दीमक के पतंगे उड़ते जा रहे हैं। महाराज टकटकी बांध करके उन पतंगों को देखते ही चले गए। कितने पतंगे देखे? 60,000। मेरे भैया समय आगे बढ़ता चला गया। महाराज की जो भारिया है वो गर्भाधान हुई, 2 वर्ष हो गए, कोई पुत्र नहीं हुआ, उन्होंने गर्भ खंडित किया है और ऋषि ने उस गर्भ पर बहुत बड़ा शोक जताया। मंद्राचल पर्वत के एक बहुत गहरे गड्ढे में उस खंडित गर्भ को जल भरे हुए पानी में डाल दिया और राजा से कही, इस जल की रखवारी करना तुम्हारा धर्म है। एक नहीं, सुबह जाते हैं तो उस जल ने उस गड्ढे से 10-15 रोत मिलता है। महाराज उठाते हैं, घोड़ा पे रखे और लाए के दोनों रानन को देवे, बोले पियाओ दूध और मनाओ आनंद। कितने निकले उस गड्ढे से? 60,000। अरे भैया 60,000 भाई लाला रे, सुनो मेरे सरदार। कोई आज के जमाने में है जाके 60,000 की तो छोड़ो, 4 लड़कों अगर लठ मारे है जाने को काऊ से दबके बात ना करे। यही कहता है कोई मेरी टक्कर का मोहल्ला? 60,000 पुत्र महाराज के। महाराज सोचने लगे, अब हम संसार के सर्व विजेता सर्व राज्य करें, और अहंकार है सर्वनाश की जड़। मेरे भैया, सुखदेव जी कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, महाराज ने यज्ञ किया और यज्ञ का घोड़ा दिग्विजय के लिए जिस समय छोड़ा तो इंद्र घबराने लगा और इंद्र ने वो घोड़ा पकड़ा, कहां बांधा? जो मैंने रात की कथा में तुम्हें बताया, अनुसुईया के जो भैया देवहूति के गर्भ से कर्दम जी के पुत्र जो हुए कपिल भगवान, कपिल मुनि, उनकी कुटिया है, उस कुटिया के पीछे ले जाके घोड़ा को बांध दिया।
महात्मा तप कर रहे हैं, महात्मा को नहीं पता कि मेरी कुटिया में किसी ने किसी की कोई माल चोरी करके पीछे बांध रखा है। उन्हें क्या पता मेरे भैया राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़ा को ढूंढने लगे। राजा ने कह दिया ढूंढो, ऐसा कौन सा राजा हो गया जो हमारे सामने आकर के हमारी चुनौती स्वीकार करे। जमीन को खोदने लगे, कहीं घोड़ा हाथ नहीं आता। तलवारों से सामने घोड़ा के चिन्ह कुटिया के अंदर जा रहे। और नेताजी जब घोड़ा पीछे बंधो देखो तो ए बाबा तेरी इतनी औकात जो हमारे घोड़ा को पकड़ के और तू रखे अपने पास। अरे भैया 60,000 भी महात्मा जी को गाली देने लगे। एक बात का ध्यान रखना, कितना भी बड़ा संत है और कितना भी बड़ा विद्वान है, जिसने अपने समय आने पर क्रोध नहीं किया वो मार खा जाता है। समय समय पर क्रोध भी अच्छा होता है। एक एक पुत्र 100-100 गाली से ऊपर चला गया, लेकिन बाबा ने कसू ना गई। और अपमान की भी सीमा होती है नेताजी, कब तक सुनते रहोगे। एक एक पुत्र 100-100 गाली से जब ऊपर की ओर चलो तब महात्मा को क्रोध आओ। अरे भाई जैसे आंखें खुली संत की और ज्वाला सी भड़काई और 60,000 लला जाते सबती ने महाराज ने देखा कि मेरे 60,000 भी जल करके भस्म हो गए। बेवश होकर के परमात्मा के भजन में फिर लग गए। इंसान को भगवान का घर जब ही याद आता है कब, दुख में। महाराज को तप करके पुत्र मिले और फिर अहंकार हो गया, फिर भगवान ने उनको भी ले लिया।
सज्जनों उसी समय सुखदेव जी कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षा समय आगे चलता चला गया, क्या देखा? छोटी रानी केसिनी के गर्भ से एक बड़ा ही सुंदर बेटे का जन्म हुआ। महाराज ने बड़ी बड़ी बधाई लुटवाई, बड़े बड़े आनंद, और जैसे बधाई लुटवाई है खुशियां ही खुशियां पुनः उस घर में वापस आई है। एक दिन पूछा अपने पिता सगर से, क्या मैं अकेला ही जन्मा दोनों मैयाओं के? सगर बोले, नहीं बेटा, तुम्हारे 7000 भैया थे, लेकिन वो 7000 कपिल मुनि भगवान ने उनको भस्म कर दिया। जवाब दिया, मेरे 7000